वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 सेट टू क्वेश्चन पेपर कोड 34-2 को डिस्कस करेंगे। 34-1 हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इस सेट के अंदर हम केवल वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सेट वन से डिफरेंट है। इन दोनों सेट्स के अंदर मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेम है, तो सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट वन के अंदर यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन फोर हमसे क्या कह रहा है, इफ इन द गिवन फिगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। एंगल सी और डी हमें 90 डिग्री के दे रखे हैं, बी 60 डिग्री का दे रखा है और जो एपी है वो 3 सेंटीमीटर है। देन जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, इसको अगर मैं यहां बना लूं अलग से, दिस इज ए दिस इज बी, उतनी ही डिस्टेंस ये है, तो ये एक आपके पास क्या बन गया, सेक्टर बन गया। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला शेडेड पोर्शन आपको बताना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर हमारे पास है, केवल ये थीटा मुझे चाहिए। अगर ये सेंट्रल एंगल मुझे मिल गया तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल पाऊंगा। इस सेंट्रल एंगल को निकालने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट यहां यूज कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो आपका 360 होता है। वी नो दैट एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी सभी क्या होंगे, 360 होंगे। अब एंगल ए हमें पता नहीं है, बाकी को यहां ले आओ, 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों ऐड करके कितना हो गया, दिस इज 180 एंड 240। इधर ले जाओगे माइनस का, 360 माइनस 240, ये आ गया 0 2 1 120। सो सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर हम लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। जो थीटा है वो आया है 120 डिग्री और यहां पे 360, पाई को रहने दें क्योंकि आंसर पाई में ही दे रखा है आपका। 3 इंटू 3, 120 से 3 टाइम्स, 3 से 3, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर यहां पे आ गया है। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ द मीन ऑफ 6 7 P 8 Q 14 इज 9 देन द, कौन सा रिलेशन यहां पे होगा। हमारे पास एक डाटा दे रखा है एंड द डाटा इज 6 7 P 8 Q 14 और इन सब का जो मीन है वो हमें दे रखा है 9, तो P और Q में क्या रिलेशन आएगा। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे आप मीन का फॉर्मूला हम लिखें, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया हमारे पास, 6 प्लस 7 प्लस P प्लस 8 प्लस Q, और ऑब्जर्वेशंस है कितनी, 6 7, ओके 8 रह गया यहां पे, तो प्लस में 8 भी कर लो, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गई। एट 14 भी इसमें ही है तो यहां पे प्लस का 14 भी कर लो, और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई 6। तो सभी ऑब्जर्वेशंस का हमने सम कर दिया और उन सभी को जितने नंबर हैं वो उतना हमने नीचे लिख दिया, तो ये मीन मिल गया। और मीन हमें ये भी दे रखा है, एक हमने निकाला एक क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं। 6 प्लस 7 13, 13 और 8 हो गया आपका 21, 21 और 4 25, 35 प्लस P प्लस Q अपॉन में 6 इज इक्वल टू 9। इसको इधर ले आओ, 35 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू
9654, इधर ले आओ, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 54 माइनस का 35 इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज 9 एंड यहां पे 4 माइनस 3 इज 1, तो p प्लस क्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 19। तो जो p प्लस क्यू है वो हमारे पास 19 होगा, यानी आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल ए लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वोवल। यहां से इन मोबाइल जो वर्ड है इसके अंदर जो लेटर्स हैं इनमें से एक वोवल सिलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे आप समझें, दिस इज क्वेश्चन 15, द गिवन वर्ड इज, वो क्या है हमारे पास, मोबाइल, एम ओ बी आई एल ई, दिस इज द वर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 लेटर्स हैं। हमने मान लिया लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग वोवल्स, हमने ई इवेंट मान लिया किसके लिए, कि हमें वोवल्स मिले। तो यहां पे वोवल्स हैं कौन कौन से, एक तो ओ वोवल है आपका, उसके बाद आई वोवल है और एक ई वोवल है, आई एंड ई, यानी कि 3 हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ लेटर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, फेवरेबल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 3, टोटल लेटर्स हैं 6, तो यहां पे हो गया हमारा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई मेरे पास क्या आ गई है, दैट इज 1/2 यहां पे आ गई है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, अब फेवरेबल आपको चेक करने पड़ेंगे कि क्या इवेंट दे रखा है उसके क्या फेवरेबल आ रहे हैं। यहां पे वोवल्स था तो फेवरेबल 3 हो गए, इनफैक्ट यहां तो कॉन्सोनेंट भी कहता ना तो भी 3 ही बचते, क्योंकि इन 3 के अलावा 3 और बच गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 यहां पे आ गई है। क्वेश्चन 16 देखिए, इफ 3825 इज इक्वल टू 3 raised to the power x, 5 raised to the power y, 17 raised to the power z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस 2z, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, आप 3825 का फैक्टर कर लो, उसमें 3, 5 और 17 आएंगे। अब जो भी उनकी पावर होगी वो कंपेयर करके आप x y z निकाल लोगे और उनकी वैल्यू यहां रखोगे तो आपको इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। मुझे फैक्टर करने हैं किसके, 3825 के, ये 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, अब ये आपका 5 से होगा, 5 से और 17 से, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 17 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 17 रेज टू द z। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और z की वैल्यू आ गई 1। तो ये सब वैल्यूज हमें मिल गई। अब यहां पे इन सब की वैल्यू रख दो, 2 प्लस 2 और माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस का 2, यहां ये कैंसिल हो गया तो बचा 2, यानी इस टर्म की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। ये एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बस यहां पे आपको एक्स वाई जेड वैल्यू निकालनी है और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना कोई टफ टास्क नहीं है। क्वेश्चन 17 देखिए, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ ओ ऑफ हूज जीरोस इज 2 + √5 एंड सम ऑफ जीरोस इज 4। तो हमें वो पॉलिनोमियल बताना है जिसकी सम ऑफ जीरोस और एक जीरो हमें दे रखी है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस है वो दे रखा है हमें 4
एंड मान लो अल्फा हमें दे रखा है 2 + √5, तो इसको इधर ले आएंगे तो बीटा हमें मिल जाएगा 4 - α, यानी 4 - 2 + √5, तो यहाँ पे आपका आ गया 4 - 2 - √5, यानी कि 2 - √5, तो ये बीटा आ गया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की नीड होती है। सम ऑफ जीरोज है मेरे पास 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 + √5 इंटू 2 - √5। यहां पे है a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया 4 - 5, दैट इज -1। जो पॉलिनोमियल है वो हमें कैसे मिलेगा, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पे k इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, और अल्फा बीटा कितना आया -1। अब यहां पे k के साथ आंसर नहीं दे रखा है, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है, तो k की वैल्यू आप यहां 1 रख देंगे। अब देखो k की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, आपको यही जीरोस मिलेंगे k की हर वैल्यू के लिए, बट हमें केवल एक केस चाहिए जिसमें k 1 हो, तो यहां पे k 1 रख दोगे तो पॉलिनोमियल px क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x - 1, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया है। केवल यहां वैल्यूज रखनी है और हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन APR 3p - 1, 3p + 5 एंड 5p + 1 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ p। हमारे पास AP की तीन टर्म दे रखी है, दैट आर 3p - 1, 3p + 5 एंड 5p + 1। मैं आपसे कहूं कि A1, A2 और A3 हमारे पास क्या है, तीन टर्म है यहां पे, तो ये AP में कब होंगे, A2 - A1 जब A3 - A2 के इक्वल होगा, यानी कि उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तभी हम उन टर्म्स को क्या कहते हैं, एपी में कहते हैं, और अगर वो एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो यहां पे इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यानी 3p + 5 माइनस का 3p - 1 इज इक्वल टू 5p + 1 माइनस का 3p + 5। अब यहां पे माइनस को अंदर ले आओ, 3p + 5 माइनस 3p + 1 इज इक्वल टू 5p + 1 माइनस 3p - 5। 3p से 3p कैंसिल हो गया, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 5p - 3p इज 2p माइनस का 4, 2p इज इक्वल टू 6 + 4, 2 को डिवाइड में ले आओ, p इज इक्वल टू 6 + 4 / 2, यानी कि 10/2, दैट इज 5 हो गया। तो p जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 5। ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल रख लेना है, और फिर p की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 23 देखिए, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th के 2 सेक्शंस हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन एंड 48 स्टूडेंट्स इन सेकंड सेक्शन, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स required for their class library so they can be distributed equally among students of both section, दोनों section के students के अंदर equally distribute की जा सके। मान लो हमारे पास क्या है, 10 students first वाले section में है और 12 students दूसरे वाले section में, तो यहां पे हमें कितनी books की requirement होगी, 60 books की requirement होगी। देखो 60 बुक्स जब यहां आएंगी तो हर स्टूडेंट को 6-6 बुक दी जा सकती हैं, और यहां पे हर स्टूडेंट को 5-5 बुक दी जा सकती हैं आपका, तो इस तरीके से हम उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोनों सेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब कर सकते हैं, जब उन क्लास का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो बारी बारी सबको मिलेगा। जैसे यहां 60 है, ये इसका भी मल्टीपल है, ये इसका भी मल्टीपल है, और इनफैक्ट ये दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकाल लेंगे और वो नंबर ऑफ बुक्स हमें मिल जाएंगी। तो
यहां पे मैं लिखता हूं, दिस इज क्वेश्चन 23, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन वो है हमारे 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी सेक्शन वो है हमारे पास 48। तो यहां पे इसका 40 का एल फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो यहां पे हमारे पास इनका फैक्टराइजेशन आ गया। अब हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो 40 का जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास आया है 2^3 × 5 और 48 का आया है 2^4 × 5। तो एलसीएम ऑफ 40 एंड 48, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है आपका यहां पे 3 है, जो कॉमन नहीं है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पे 2^4 16 हो गया × 5 × 3, ये हो गया 80 × 3 यानी 240। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ जाएंगी, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड आर 240। जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड होंगी वो हमारे पास कितनी है, 240। वो दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो 240 बुक्स हमारी पास रहेंगी, तो हम दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्वेश्चन 29 देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें पी दे रखा है एंड सेक थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा हमें क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, देन टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव हमारे पास है क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस वन इज टू पी। तो जो पार्ट हमें प्रूव करना है उसको हम क्या है, उसकी एलएचएस ले लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले टेकिंग एलएचएस क्यू इंटू पी स्क्वेयर माइनस वन, तो Q और P की वैल्यू रख दो यहां पे, Q है हमारे पास sec थीटा प्लस cosecant थीटा और P स्क्वेयर है sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वेयर और माइनस का वन। तो यहां sec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/cos θ, cosecant थीटा को लिख सकता हूं 1/sin θ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 sin θ cos θ माइनस का 1। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन कर दिया, यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जब कॉस थीटा से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा और यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा और यहां पे ये हो गया आपका 1 plus 2 sin θ cos θ माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पे आया sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा और यहां पे 2 sin θ cos θ, ये मल्टीप्लाई में है ये कैंसिल हो जाएगा और इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, P रख सकता हूं, 2 यहां से आ गया और ये RHS के इक्वल है। आई रिपीट माय वर्ड्स, पहले हमने P और Q की वैल्यू रख दी, यहां A प्लस B का होल स्क्वायर लगाया तो केवल यहां 2 sin θ cos θ बच गया, यहां 1/sin sec θ को लिख दिया 1/cos 1/sin, sin थीटा प्लस cos थीटा को मैं P यूज कर सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो उसे हमने यूज किया और 2P आ गया, दैट इज अवर RHS। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 31 देखिए, अ मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, वो अपनी जॉब एक फिक्स्ड सैलरी के साथ स्टार्ट करता है और हर साल उसको एक फिक्स्ड इंक्रीमेंट मिलता है। आफ्टर 4 years उसकी जो सैलरी है वो 15,000 है, आफ्टर 10 years उसकी सैलरी ₹18,000 है। What was his salary? What was his starting salary and what was the annual increment? उसकी starting salary क्या है
और एनुअल इंक्रीमेंट क्या मिलता है। तो मैं मान लेता हूं, लेट द स्टार्टिंग सैलरी इज रुपीज एक्स एंड लेट द एनुअल इंक्रीमेंट इज रुपीज वाई। हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। समझो एक्स उसकी सैलरी तो है ही स्टार्टिंग में जो थी, चार साल बाद यानी कि आपको आप समझे ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल, इस साल के बाद उसको यहां पे इंक्रीमेंट मिला दैट इज आपका वाई, फिर यहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर यहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा और फिर यहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा चार साल बाद, यानी उसको चार बार इंक्रीमेंट मिल गया। तो सैलरी जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी प्लस 4 into y जो चार बार उसको इंक्रीमेंट मिला है उसको मिलाकर के उसकी सैलरी रुपीज 18,000 हो गई। आई रिपीट माय वर्ड्स, चार साल बाद मतलब चार बार इंक्रीमेंट मिल चुका है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। एक्स स्टार्टिंग सैलरी और एनुअल इंक्रीमेंट है 10y यानी 10 बार इंक्रीमेंट मिल चुका है, तो सैलरी उसकी हो गई है दैट इज ये 15,000 है और ये आपका 18,000 है दैट इज सेकेंड। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे आप देखो तो फर्स्ट में से सेकेंड को सबट्रैक्ट कर दो, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000 एंड एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 18,000 सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6y माइनस का 3,000, माइनस से माइनस 6 से 5 यानी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 500 रुपीज आ गया। नाउ पुटिंग दिस डी इन फर्स्ट सॉरी वाई, दिस इज वाई नॉट डी, वाई इन फर्स्ट, तो यहां पे आ गया एक्स प्लस 4 into 500 इज 2,000 इज इक्वल टू 15,000, यहां पे आ गया 13,000। तो उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 13,000 है और एनुअल इंक्रीमेंट 500 रुपीज है, तो हम कहेंगे इज स्टार्टिंग सैलरी इज रुपीज 13,000 एंड हिज एनुअल इंक्रीमेंट, उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपका रुपीज 500 है। तो ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था जिसे हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स होंगे। तो यहां पे ना आप पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करिए, इसे मान लो 1, कंपेयरिंग फर्स्ट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है यहां पे के प्लस 1, बी जो एक्स का कोफिशियंट है वो है माइनस ऑफ 2 3k+1 और जो सी है वो है मेरे पास 8k+1। तो ये मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू यहां पर आ रही है। वो कह रहा है कि रियल रूट्स, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जो डी है वो आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो रूट है वो होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, और अगर डी आपका लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहां पर आप समझे वो कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। तो हम यहां पे रख देते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो 0 होगा, बी का स्क्वेयर यानी माइनस 2 into 3k+1 का स्क्वेयर
माइनस फोर इंटू ए यानी के प्लस वन, सी यानी कि एट ए प्लस वन जो है वो जीरो होगा। माइनस टू का स्क्वायर फोर हो गया और थ्री के प्लस वन का स्क्वायर हो गया नाइन के स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स के। यहां पे आपका है दैट इज, इसको इधर ले आए तो फोर आ गया k की मल्टीप्लाई, एट के स्क्वायर प्लस का k प्लस एट के, और ये फिर से आपका क्या आ गया एट के प्लस वन आ गया। फोर से फोर कैंसिल हो गया, यहां पे है नाइन के स्क्वायर, इधर ले आएंगे एट के स्क्वायर, यहां पे है सिक्स के और ये हो गया माइनस का नाइन के, और यहां पे प्लस का वन, इधर आके माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। यहां पे आ गया के स्क्वायर माइनस थ्री के इज इक्वल टू जीरो, यहां से के कॉमन ले लिया तो के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, या तो के इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर के आपका थ्री होगा, यानी दो वैल्यूज के की हमारे पास आ रही हैं दैट आर जीरो एंड थ्री। केवल एक ही कंडीशन हमें मेमोराइज रखनी है, दैट इज अगर रूट आपके रियल एंड इक्वल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो होगा और फिर वहां से के की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। इसका बी पार्ट देखिए, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, व्हेन 63 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर। हमारे पास टू डिजिट नंबर, अब जैसे टू डिजिट नंबर हमारे पास क्या है 63, इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 6 प्लस 3, 3 क्या है यहां पर यूनिट डिजिट और 6 क्या है हमारे पास टेंथ डिजिट। तो यहां पे टू डिजिट नंबर इस फॉर्म का होता है, तो यहां पे मैं मान लेता हूं लेट द टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, जहां पर जो वाई है वो इसकी यूनिट डिजिट है और जो एक्स है वो क्या है इसकी टेंथ डिजिट है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 18 है, तो हम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट यानी x इंटू वाई जो है वो 18 आ रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, व्हेन 63 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब हम नंबर में से 63 सबट्रैक्ट करते हैं यानी 10x प्लस वाई में से 63 सबट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर अपना जो डिजिट्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी x y की जगह पे आ जाएगा, y x के प्लेस पे आ जाएगा। इसको इधर ले आइए, दोनों को इसको इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स वाई माइनस का 10y इज इक्वल टू 63, ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63, 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, यहां से आ गया 7, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यहां से हम y की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 18 बाई एक्स, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18, इस x को इधर ले आएंगे तो 7x, इधर आके एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहां हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 18 हो और एड या सम सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7 मिले, ऐसे नंबर्स हैं माइनस 9 और 2, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यहां से x आ गया x माइनस 9, यहां से 2 कॉमन आ गया दैट इज x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से या तो x माइनस 9 जीरो होगा या फिर आपका x प्लस 2 जीरो होगा, तो हम यहां से x 9 आ गया, x आ गया माइनस 2, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 9 आ गई। x की वैल्यू यहां रखोगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 2 आ गई, तो यहां पे इन दोनों की वैल्यू यहां रख दीजिए तो टू डिजिट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू डिजिट नंबर इज 10 इंटू एक्स इज 9 प्लस 2 दैट इज 92, तो वो टू डिजिट नंबर हमारे पास 92 यहां पे आ गया है। ये दोनों कंडीशंस हमने बनाई और टू डिजिट नंबर हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन 35 देखिए,
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है, लेट्स से उस बिल्डिंग का नाम हमने ए बी दे दिया, सॉरी एक टावर है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है दैट इज सी डी और उसकी हाइट 50 मीटर है। आप पूछने लगे सर ये बिल्डिंग छोटी कैसे है, आपको कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम किसी नीचे देख रहे होते हैं। अब जब हम इस टावर से चढ़ के देख रहे हैं तो इसके टॉप का और इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मतलब छोटा तो ये है ही। जब इसके टॉप पर देखने पर भी डिप्रेशन बन रहा है मतलब छोटा है। तो यहाँ पे इसके बराबर, यहाँ पे इसके लाइन ऑफ साइट हो गई है, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है दैट इज 45 डिग्री और यहाँ पे ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना ले, ये दोनों पैरेलल, ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और वो आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास बन रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो गया, 60 डिग्री का। मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर हो गया, यानी अगर ये बी ई और मुझे मिल जाए तो मैं हाइट ऑफ टावर लिख पाऊंगा। नाउ यहां पे आप देखो किसे मान लो कुछ एच, तो नाउ आप कहेंगे लेट बी ए इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पे इन ट्रायंगल बी ए सी हम ले लेंगे, यहां पे क्या हो गया बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, ऐसा आ गया। बी ए को मैं लिख सकता हूं एच प्लस 50 और ए सी तो हमें निकालना है, टेन 60 इज रूट 3, ये डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एच प्लस 50 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए सी, ये हमने फर्स्ट मान लिया। नाउ इन ट्रेंगल बी ई डी ले लो आप, इन ट्रेंगल बी ई डी, यहां पे आपका बी ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू 1045, 1045 होता है 1, बी ई इज इक्वल टू ई डी, बी ई होता है h और जो ई डी है, जो ई डी है वो ए सी के इक्वल है, यानी h प्लस 50 बाई रूट 3, इधर ले आओ रूट 3 h और ये माइनस का h हो गया इज इक्वल टू 50, h कॉमन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, यहां डिवाइड में आ गया h इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रेसलाइजेशन कर दें तो यहां पे आ गया रूट 3 प्लस 1, a माइनस b इंटू a प्लस b हो गया 50 इंटू रूट 3 प्लस 1, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां पे तो आ गया 2, यहां पे आ गया 2 दैट इज 50 बाई 2 और यहां पे रूट 3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, ये हो गया 25, तो यहां पे आ गया आपका 25 इंटू 2.73। देखो मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे हाइट ऑफ टावर चाहिए, ये तो 50 है, ये h और मिल जाए तो मैं हाइट ऑफ टावर लिख पाऊंगा, तो यहां पे आपका मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन इज 175 और ये हो गया 7, 182, यहां पे 2 आ गया कैरी 18 और 50 और 18 हो गया आपका 68.25, आपका क्या आ गया, दिस इज सेंटीमीटर मीटर, ये आ गया हमारे पास 60 मीटर में ही दे रखा है एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास h इतना आ गया। अब हम कहेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मेरे पास क्या आ गई, दैट इज 68.25 प्लस का 50 यानी कि ये हो गया 0.25, दिस इज 8 11, 118.25 मीटर। हमने अप्रोच क्या फॉलो अप की है, जितनी लेंथ ये है उतनी ये हो जाएगी, तो मेरे को केवल ये h निकालना है, उसके लिए मैंने दोनों ट्रायंगल्स में लिया और h की वैल्यू निकाल दी तो मुझे हाइट ऑफ टावर यहां पर मिल गई है।